इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्टर मेन्यू के सब मेन्यू, पैटर्न मेकर, आर्टिस्टिक ब्लर और ब्रश स्ट्रोक्स के बारे में। तो पहले यहाँ पर हम एक इमेज इंसर्ट कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और इमेज को सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर लेंगे। इमेज यहाँ पर आ गई है। इसके बाद हम जाएंगे फिल्टर मेन्यू में। सबसे पहले यहाँ पर देखिए पैटर्न मेकर, इसका शॉर्टकट है ऑल प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एक्स। या तो आप अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट प्रेस करेंगे या फिर आप फिल्टर में आएंगे और यहाँ पैटर्न मेकर पर क्लिक करेंगे, तो इससे आप अपनी इमेज के किसी भी एक पार्ट को पैटर्न बना सकते हैं। इस पर हमने क्लिक किया, यहाँ पर एक विंडो ओपन हो गई है। अब यहाँ पर देखिए मार्की टूल आपको दे दिया गया है, जिससे आप किसी भी पार्ट को जिसका आप पैटर्न बनाना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं इसकी आई को पैटर्न बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर इस तरीके से हम सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर राइट साइड में भी ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आप चाहें तो इमेज के साइज को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप विड्थ चूज कर सकते हैं, यहाँ से आप हाइट चूज कर सकते हैं पैटर्न की, और यहाँ से आप ऑफसेट उसका हॉरिजेंटल या वर्टिकल रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 150 विड्थ, और हाइट भी यहाँ पर मैं 150 कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम जनरेट पर क्लिक करेंगे, तो जितना भी पार्ट हमने सिलेक्ट किया है इसका 150 विड्थ और 150 हाइट के साथ एक पैटर्न जनरेट हो जाएगा। जैसे कि जनरेट, अब यहाँ पर देखिए एक पैटर्न जनरेट हो चुका है। अगर हम जनरेट अगेन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये अलग तरीके से जनरेट होगा। तो जितनी बार भी आप जनरेट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ये जनरेट होता रहेगा। जो भी आपको अच्छा लगता है आप ओके करेंगे तो यहाँ पर आपकी पूरी इमेज उसी पैटर्न में चेंज हो जाएगी। कंट्रोल जेड हम वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर फिल्टर में जो ऑप्शन है पैटर्न मेकर, इससे आप अपनी इमेज के किसी भी पार्ट को सिलेक्ट करके उसको आप एक पैटर्न बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है आर्टिस्टिक, इसमें काफ़ी सारे फिल्टर्स दिए गए हैं जो आप अपनी इमेज पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप पेंसिल से अपनी इस इमेज को बनाते तो कैसी लगती, अगर आप ब्रश से बनाते तो कैसी लगती, और अगर आप इसको किसी प्लास्टिक में रैप कर देते तो कैसी लगती। तो मतलब यहाँ पर इस तरह के काफ़ी सारे फिल्टर्स दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर है कलर्ड पेंसिल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप अपनी इमेज को किसी कलरफुल पेंसिल से बनाते तो कैसी लगती। आप इस पर क्लिक करेंगे, डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, यहाँ से आप पेंसिल की विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि इसको यहाँ पर हम 5 कर लेते हैं। स्ट्रोक के प्रेशर को आप कितना रखना चाहते हैं वो आप यहां से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही यहां पर आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं, इसको आप यहां से जूम इन करेंगे और यहां से आप पेपर का ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद आप ओके करेंगे तो यहां पर देखिए आपकी जो इमेज है वो कलरफुल पेंसिल से बनाई गई एक पेंटिंग में कन्वर्ट हो चुकी है। कंट्रोल जेड करेंगे और एक स्टेप वापस आ जाएंगे। इसके बाद आर्टिस्टिक में यहाँ पर देखिए कटआउट है, कटआउट मैक्सिमम पोस्टर बनाने में यूज़ किया जाता है। कटआउट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम इसका जूम कम कर लेंगे। अब यहाँ से आप नंबर ऑफ लेवल, इसका आप लेवल कितना रखना चाहते हैं, एज को आप यहाँ से मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपकी जो इमेज है वो कटआउट में चेंज हो जाएगी। ये आपने ज़्यादातर पोस्टर्स में देखा होगा। कंट्रोल जेड करेंगे, एक स्टेप वापस आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ आर्टिस्टिक में देखिए ड्राई ब्रश, अगर आप किसी ब्रश से इस पेंटिंग को बनाते हैं तो ये कैसी लगती, तो आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ से आप जूम कम करेंगे ताकि आप प्रीव्यू यहाँ पर देख सकें अप्लाई करने से पहले। तो पहले यहाँ पर आप ब्रश के साइज को कम या ज़्यादा कर लेंगे और ब्रश की डिटेल्स को आप यहाँ से कम या ज़्यादा करेंगे, टेक्स्चर आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर लेंगे। इसके बाद आप ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अप्लाई हो जाएगा। अगर आप ब्रश से इस इमेज को बनाते तो ये कुछ ऐसी लगती। कंट्रोल जेड करेंगे, एक स्टेप वापस आ जाएंगे। इसके बाद आर्टिस्टिक में यहाँ पर देखिए और भी बहुत सारे फिल्टर्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल हम देखना चाहते हैं कि अगर हम इस इमेज को प्लास्टिक में रैप कर दें, लपेट दें तो कैसी लगेगी। तो यहाँ प्लास्टिक रैप पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं प्रीव्यू, और साथ ही यहाँ पर आप डिटेल्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इस मुथलेस को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए प्लास्टिक में हमने इसको रैप कर दिया है आर्टिस्टिक में। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे दिए गए हैं ऑप्शंस फिल्टर्स, जैसे कि वाटर कलर है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसको वाटर कलर दे सकते हैं। ब्रश डिटेल्स आप कम या ज़्यादा कर लेंगे, टेक्स्चर आप कम या ज़्यादा करेंगे। इसके बाद आप ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर वाटर कलर अप्लाई हो गया है। कंट्रोल जेड। इसके बाद यहाँ पर है ब्लर, वैसे तो ब्लर आपको यहाँ टूल में भी दिया गया है, यहाँ पर देखिए ब्लर है जिससे आप अपनी इमेज को ब्लर कर सकते हैं, लेकिन फिल्टर में जाकर के ब्लर में आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है ब्लर, इससे आप अपनी इमेज को जस्ट ब्लर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर फिल्टर में जाएंगे, ब्लर में यहाँ पर देखिए
गॉसियन ब्लर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ से आप इसको बढ़ा सकते हैं और यहाँ से आप इसको कम कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं, जहां कभी आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं वहां पर आप क्लिक करेंगे और इस तरह से आप प्रीव्यू देख सकते हैं। ओके करेंगे तो ये ब्लर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, कंट्रोल जेड। इसके बाद हम फिल्टर में जाएंगे और ब्लर में यहाँ पर हमें मोशन ब्लर का एक ऑप्शन मिलेगा, मोशन यानी किसी एंगल से, तो आप मोशन पर क्लिक करेंगे। मोस्टली ये यूज किया जाता है स्पीड के लिए, ऐसा दिखाने के लिए कि ये चीज काफी स्पीड में है। जैसे कि अगर आपके पास कोई गाड़ी है और आप उसको स्पीड में दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से आप एंगल ब्लर यानी मोशन ब्लर उसको दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर चलिए हम एक बाइक की पिक्चर को इंसर्ट कर लेते हैं, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और इमेज को सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। ओके करेंगे, देखिए यहाँ पर बाइक आ गई है। अब हम फिल्टर में जाएंगे, यहाँ पर हम ब्लर में जाएंगे, मोशन ब्लर, और यहाँ पर हम किस एंगल से देना चाहते हैं तो हम इस एंगल से देना चाहते हैं। यहाँ से आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से, और ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए बाइक ऐसा लग रहा है जैसे कि काफ़ी स्पीड में है। इसी तरीके से यहाँ पर हम कंट्रोल जेड करेंगे और फिल्टर में जाएंगे और यहाँ ब्लर में जाएंगे, मोशन ब्लर, तो यहाँ से आप इसके एंगल को भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। अब ये ऊपर से नीचे हो गया है, ओके, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बाइक ऊपर से नीचे गिर रही है। इसके बाद यहाँ पर ब्लर में आपको एक ऑप्शन मिलेगा रेडियल ब्लर, आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आप इस तरह का यहाँ पर एक ब्लर दे सकते हैं जिसमें आप जूम चूज कर सकते हैं या फिर आप स्पिन यहाँ पर चूज कर सकते हैं। जैसे कि दिखाया जाता है कि किसी पर्सन की याददाश्त वापस आ रही है तो आप इस तरीके से यहाँ पर दिखा सकते हैं। यहाँ से आप इसको कम या ज्यादा करेंगे, ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर इस तरह का ब्लर अप्लाई हो जाएगा, इसको कहा जाता है रेडियल ब्लर। ब्लर में यहाँ पर रेडियल ब्लर पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम जूम चूज कर लेंगे और इसके बाद अप्लाई करेंगे तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर शो होगा। इसके बाद यहाँ पर है स्मार्ट ब्लर, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इसके रेडियस को कम या ज्यादा करेंगे और यहाँ पर आप क्वालिटी को मीडियम हाई कर सकते हैं। इसके बाद आप ओके करेंगे तो यहाँ पर स्मार्ट ब्लर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद फिल्टर में आपको एक सब मेन्यू मिलता है ब्रश स्ट्रोक्स का, और इसमें जाकर के आप अपनी इमेज को अलग अलग तरह के ब्रश स्ट्रोक्स दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ आप एजेस, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इसकी विड्थ को कम या ज्यादा करेंगे और यहाँ ओके करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा, कंट्रोल जेड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ब्रश में जाएंगे, सेकंड यहाँ पर है एंगल्ड स्ट्रोक, इस पर आप क्लिक करेंगे तो किसी एंगल से आप इसको स्ट्रोक दे सकते हैं। ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमने इस एंगल से इसको स्ट्रोक दिया है, कंट्रोल जेड। इसके बाद यहाँ पर स्ट्रोक में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए डार्क स्ट्रोक है, इंक आउटलाइन स्ट्रोक है, स्पार्टर है, और इसी तरह से यहाँ पर आप स्प्रेड स्ट्रोक भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसकी लेंथ को कम या ज्यादा करेंगे, ओके करेंगे तो स्ट्रोक अप्लाई हो जाएगा। तो फिल्टर में यहाँ पर पैटर्न मेकर है, पैटर्न मेकर में आप अपनी इमेज के किसी भी पार्ट को सिलेक्ट करके उसका पैटर्न बना सकते हैं। आर्टिस्टिक में आप अलग अलग तरह के फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, और ब्लर में आप यहाँ अपनी इमेज में अलग अलग तरह के ब्लर अप्लाई कर सकते हैं, और ब्रश स्ट्रोक में आपको काफी सारे फिल्टर्स दिए गए हैं जो आप अपनी इमेज में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो आज के लिए बस आप इसी की प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिस्टॉर्ट नॉइस और पिक्सेल एडिट के बारे में।